दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, आपको मालूम है कि कोरोना का तीसरा लहर न्यू वायरस के रूप में ओमिक्रॉन के रूप में आ चुका है, जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। जिसे देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था कि कोविड-19 का सेकेंड डोज लेने के 6 महीने के बाद में आपको थर्ड डोज, मतलब कि बूस्टर डोज आपको लेना होगा, ठीक है। अदरवाइज 1 फरवरी 2022 से ये कानून बन गया है कि सेकेंड डोज लेने के 8 महीने तक अगर आप बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो आपका त्वकलना में जो इम्यून शो होता है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी सऊदी कंट्री में न्यू केस जो फिर से बढ़ने लग गया। पहले जहाँ डेली 50 से 55 केस आता था, अब वो चीज़ बढ़ के 100 से 150 पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं, ये कल का रिपोर्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि न्यू पेशेंट जो है जिसमें से रिकवर 99 किए हैं और 2 पेशेंट का मौत हो चुका है। इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने दोबारा ऐलान किया है कि पहले जहाँ 6 मंथ का टाइम दिया गया था बूस्टर डोज लेने का, उस चीज़ को कम करके अभी 3 मंथ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सेकेंड डोज लेने के 3 मंथ के बाद अब बूस्टर डोज का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सही पे चेक करिए बूस्टर डोज के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल है दोस्तों, तो जितना जल्दी हो सके बूस्टर डोज आप ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि पहला कानून बन चुका है 1 फरवरी 2022 से, कि अगर आप सेकेंड डोज लेने के 8 महीने तक बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो आपको तवकलना जो है इम्यून कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपको मालूम है सऊदी कंट्री में तवकलना कितना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। अगर तवकलना का इम्यून कैंसिल कर दिया गया तो एक तरह से हम लोग पूरा बैन हो जाएंगे। इससे अच्छा है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके हम लोग बूस्टर डोज ले लें, ताकि आने वाले परेशानी से हम लोग बच सके। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह का यूज़फुल इंपॉर्टेंट अपडेट पर वीडियो बनाकर लेके आता रहूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।